Casper? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीमू की तबीयत बहुत ख़राब है, दो चार दिन से उसे पता नहीं क्या हो गया है। उसे आई थिंक ठंड लग रही है, क्या मसले मसाइल हैं। सिर्फ वो खाना खाने के लिए उठती है, खाना खाती है और वापस जाके जो है ना फ्रिज के पीछे या किसी और जगह पर या अलमारी के पास जाके वो छुप के लेट जाती है। अब या तो उसे सर्दी लग रही है, क्या इशू हो रहा है अब समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने अभी डॉक्टर को कॉल करी, डॉक्टर अभी आएँगे, नीमू का चेकअप होगा पूरा, तो फिर हम देखते हैं कि उसे क्या मसला है। ठीक है, दो चार दिन से नीमू बहुत ज़्यादा सुस्त हो रही है, बहुत ज़्यादा। बस खाने पीने के लिए उठती है, उसके बाद वापस जाके लेट जाती है, ना खेलती है ना कुछ करती है। हो सकता है कि वो यानी कि अडॉप्ट किया मैंने उसे, तो वो शायद अपने घर को मिस करती हो, अपने दूसरे मालिक को, क्योंकि कैट्स को जो है ना वो पता होता है कि मेरा मालिक कौन है और सारी चीज़ें। तो आप कैस नीमू तो जो है वो 8 महीने की है, 8-9 महीने की है। तो जब से नीमो आई है ना, उसके 2 दिन बाद से ना नीमो फ्रिज के पीछे ही पता नहीं क्यों ऐसे सोने लग गई है। अच्छा, यहाँ जब तक हम डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने सोचा कुछ पेट पूजा ही हो जाए, भूख लग रही थी, कब से कुछ खाया नहीं था, तो मैं यहाँ बैठ के खाने लगी चाउमीन। अब इतने मज़े की चाउमीन थी और वो भी मस्तन फूड। कैस्पर माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, फिट फाट है भाई। कैस्पर की अभी वैक्सीनेशन होनी है, आगे न्यू व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैस्पर की वैक्सीनेशन हम कैसे करवाते हैं। कैस्पर को सुकून नहीं आता, सबको सुकून आ जाता लेकिन कैस्पर को सुकून नहीं आता। कैस्पर डॉक्टर आने वाले हैं। कैस्पर जाओ, जाके रूम में जाके आप सो जाओ। कैस्पर कैस्पर अच्छा, यहाँ पर मैं नीमू को लेकर जा रही थी नीचे, क्योंकि डॉक्टर आ गए थे और नीमू का वेट कर रहे थे, और मैंने उसको बहुत मुश्किलों से फ्रिज के पीछे से निकाला क्योंकि वह निकल ही नहीं रही थी, इतनी सहमी बैठी हुई थी क्योंकि उसकी तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो अब हम नीमू को लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ नीमू को डॉक्टर के पास। अब देखें डॉक्टर क्या बताते हैं नीमू के बारे में, कि क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसको कोई वायरल हो गया है, क्या मसले मसाइल है उसकी, क्योंकि उसकी ना कोई डिवॉर्मिंग हुई हुई है ना ही उसकी वैक्सीनेशन हुई हुई है। तो अब मैं नीमू की जो डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन करवाऊंगी, लेकिन अभी पहले उसकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो हम पता करते हैं कि डॉक्टर क्या बताते हैं नीमू के बारे में, कि उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो इतनी सुस्त हो रही है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप नीमू को बेड पे बिठा दें और आप उसे पकड़ लें, क्योंकि डॉक्टर उसका टेम्परेचर चेक करने वाले थे। लेकिन वो इतना डर रही थी, इतना परेशान हो रही थी वो, कि वो हाथ में नहीं आ रही। जैसे ही डॉक्टर उसका टेम्परेचर चेक करते तो वो इतनी जोर से चीखने लग जाती और पंजे मारने लग जाती, नाखून मारने लग जाती। तो मैं उसको पकड़ रही थी, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वो मुझे भी मार जा रही थी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि मैं उसे पकड़ लूं ताकि डॉक्टर उसका टेम्परेचर चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि नीमू कितना ज़्यादा परेशान हो रही है और कितना ज़्यादा डॉक्टर को तंग कर रही है कि वो उनको टेम्परेचर चेक ही नहीं करने दे रही। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक काम करें, आप 2 मिनट के लिए वीडियो छोड़ दें और जो है ना आप इसको पकड़ लें, क्योंकि ये नहीं करने दे रही थी। जैसे ही डॉक्टर चेक करते वो फौरन जो है ना उनको मारने लग जाती या भागने की कोशिश करती। खैर, फिर अल्लाह अल्लाह करके उसका टेम्परेचर चेक हो ही गया, तो उससे पता लगा कि नीमू को जो है वो वायरल हुआ हुआ है, क्योंकि आजकल जो है वो अचानक से मौसम चेंज हुआ है तो उसकी वजह से वायरल चल रहा है। तो नीमू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे फीवर हो रहा है और उसकी कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी नहीं हुई हुई थी, ना उसकी डिवॉर्मिंग हुई हुई थी, तो इस वजह से उसे वायरल हो गया। अच्छा, कैस्पर का यह है कि कैस्पर की मैंने बचपन से ही उसकी फर्स्ट
डिवॉर्मिंग भी कराई है उसकी, फिर हर हफ्ते उसकी डिवॉर्मिंग होती थी, फिर उसके बाद 6 महीने बाद डॉक्टर ने उसे बोला कि आप महीने महीने डिवॉर्मिंग करवाएं, फिर उसकी वैक्सीनेशन भी हुई हुई है। बीच में उसके ऊपर ना बाहर का जो बिल्ला होता है उसने उसके ऊपर हमला कर दिया था, तो उसके बाद मैंने कैस्पर के हाथ जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह भी करवा ली थी। एक डोज की वैक्सीनेशन रहती है जो डबल डोज उसको लगने वाला है, दोबारा से उसको लगने वाला है, तो वो उसकी मुझे करवानी है जो मैं आगे करवाऊंगी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसकी मैंने शुरू से उसकी बहुत केयर करी है, और नीमो जो है वो बड़ी हो गई है, उसकी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं है तो उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अब नीमो हमारे पास है तो हम उसकी केयर करेंगे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर नीमो बहुत परेशान होती और नीचे सोफे के नीचे जाके बैठ गई क्योंकि उसके 2 इंजेक्शन लगे थे। अब मैं आई यहाँ पर और मैंने आके देखा, अच्छा डॉक्टर जो हैं वो जा चुके हैं और उनको मैं सी ऑफ करके आई और मैंने सोफे के नीचे आके देखा तो नीमो सोफे के नीचे डरी हुई बैठी हुई थी। अब मैं उसे प्यार से बुला रही कि नीमो बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, लेकिन वो बेचारी डर गई। अच्छा मेरी बहन आई और उसने मुझे आके बोला कि ज़रा कैस्पर की हरकतें तो देख लो, तो ये देखें आप इसकी हरकतें चेक करेंगे। हरकतें क्या कर रहा था ये, यहाँ पर बैठ के ये पर्दों के साथ खेल रहा। अब इसे कोई चीज़ मिल गई खेलने के लिए तो बस इसको ना, इसका पता क्या है, इसको ना कोई भी हिलती हुई चीज़ दिख जाए ना तो बस वो उसको उठा के ना उसके साथ खेलने लग जाता है। तो ये इसकी जो है ना हरकतें हैं और बहुत ही क्यूट लगता है बहुत, माशाल्लाह से इसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि अगर आप लोग पेट लवर्स हैं, अगर आप लोग कैट लवर्स हैं, तो आप अगर छोटा सा, जैसे मैंने जब कैस्पर को लिया था तो वो तकरीबन 40-45 डेज का था और तब से मैं कैस्पर की केयर कर रही हूँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कैस्पर बिल्कुल ठीक है शुरू से। अगर आप लोगों को पेट रखने का शौक है, मतलब रियल वाला शौक, ऐसा ना हो कि आप पेट रख लो उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है उनसे, मतलब लाजमी सी बात है वो पेट हैं वो तंग करते हैं सारा कुछ करते हैं, तो उनके साथ जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, उनकी केयर करनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोग वाकई में कैट लवर हो तो अगर आपके पास बिल्ली है तो उसका अच्छे से अच्छा ख्याल रखो, और शुरू से उसका ख्याल रखोगे ना तो फिर वो बड़े होते के साथ साथ बिल्कुल सही निकलेगी। अगर आप ऐसा करोगे कि मतलब वो अब ये 8-9 महीने की हो गई है, इसकी डिवॉर्मिंग नहीं हुई है और ना ही इसकी वैक्सीनेशन वगैरह, तो इसको कितना प्रॉब्लम हो रही है ना कि इसको वायरल हो गया, वायरल इन्फेक्शन इसको लग गया, तो अगर आप बचपन से ही हाथ के हाथ ये सारी चीज़ें करवाते रहोगे ना तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो एनिमल्स हैं ना ये बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होते हैं अगर ये आपके घर में है। अच्छा तो ये सारा सामान जो आप ये देख रहे हैं ना ये मैंने अपने रूम की डेकोरेशन के लिए मंगाया था, और कुछ आगे वीडियोस आने वाली हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऐसे ही पहले ही दिखा रही हूँ आपको, आगे आप लोग वीडियोस देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, कुछ डेकोरेशन की हैं और कुछ वीडियोज़ वगैरह के लिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा से न्यू ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपके पास पेट्स तो उनका भी ख्याल रखिएगा, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।